महारानी आप? व्रत तभी पूरा होता है जब व्रत करने वाला भोग की सामग्री अपने हाथों से बनाए, और वैसे भी भोजन बनाने का अनुभव मुझे तुझसे अधिक है। ऐसे घूरता रहेगा या कुछ कार्य भी करेगा? दूध का भगोना इधर लाकर रख। अकर्तव्यम न कर्तव्यम प्राणे कंठ गतैरपि, कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणे कंठ गतैरपि। जो धर्म नियम और मर्यादा के विरुद्ध हो वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए, भले ही मृत्यु सामने क्यों ना खड़ी हो। और जो कर्तव्य हो उसका पालन अवश्य करना चाहिए, भले ही मृत्यु सामने क्यों ना खड़ी हो। भली मेरे पुत्र, मैं तो केवल क्षमा कीजिए मां, धर्म अनुसार प्रकृति के नियमों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अपने स्वार्थ के लिए उनमें कोई हेर फेर नहीं करूंगा मैं। अगर बलि ने मेरी बात नहीं मानी और अगर सूर्य समय पर आ गया तो यमदूत कद्रु के पुत्रों के प्राण हरने में सफल नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ भी करके सूर्य से बात करनी होगी और ये व्रत तुड़वाना पड़ेगा। अब बस कैसे भी करके ये जीवित पुत्रिका का व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए और मेरे पुत्र पुनः स्वस्थ हो जाए। मैं चाहती हूँ कि कतुरु का व्रत असफल हो जाए और इसमें तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी सूर्य। आपने पहले भी एक माँ का तब व्रत तोड़ने का प्रयास किया था, तब गरुड़ के हाथों अपने अनेकों पुत्रों को खो दिया था। आप फिर से वही पाप क्यों दोहराना चाहती हैं दीदी मां? यदि गरुड़ के नाग भाइयों को कुछ हो गया तो उसके क्रोध और प्रतिशोध की भावना सारी सीमाएं तोड़ देगी। सूर्य, तुम मुझे भयभीत कर रहे हो। नहीं मां, मैं तो सत्य का वर्णन कर रहा हूं। तो प्रकृति के नियमों से बंधा है, इसलिए अपनी लोक में रहने की सुविधा का लाभ उठा पा रहा है। पर मत भूल कि तुम्हारे बाकी देव भाई किस दशा में हैं। हम असुरों से हारने के बाद तुम्हारे देवेंद्र के साथ वन वन भटक रहे। स्मरणक सूर्य, यदि मैं चाहूं ना तो इसी क्षण तुझे वहां भिजवा सकती हूं। मेरा पुत्र बलि इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारी उपस्थिति के बिना भी वो तुम्हारे सारा कार्य कर सकता है, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। एक बार वो मुझे मना करके मेरा हृदय दुखा चुका है, दूसरी बार अगर मैंने श्रादेश दिया तो वो मुझे मना नहीं कर पाएगा। सत्य कह रही है, बलि बहुत शक्तिशाली है, वो चाहे तो मुझे मेरे लोक से बाहर निकाल सकता है। दीति मां, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी अवज्ञा नहीं करना चाहता, पर समय के चक्र में व्यवधान उत्पन्न कर पाने में मैं असमर्थ हूं।
मेरे लिए कोई और आ गया तो आप आदेश दीजिए, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। अपने कंगन दो मुझे। आप मेरे कंगन का क्या करेंगी माँ? सूर्य कंगन। योग्य से शत्रुता और अयोग्य से मित्रता की मूर्खता की जाए तो यही दशा होती है मेरे भाइयों। यदि उस दिन तुम सबने हम असुरों से युद्ध करने के स्थान पर हमारा साथ दिया होता तो आज तुम सब भी यहां आनंद से हंस खेल रहे होते, यूं ऐसे मृत्युशैया पर पड़े पड़े यमदूत की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होते। पर गरुड़ का साथ देकर तुम सब ने अपना भविष्य स्वयं चुन लिया था, पर अब शीघ्र ही मृत्यु तुम सबको दबोच लेगी। बस अब आप अपना चमत्कार दिखाइए मां। सारा भोग बन चुका है दीदी, अब बस हमें स्नान करना है। चलो विंता। लगता है अब इन्हें भी यमदूत का आभास होने लगा है। अपनी दया दृष्टि हमारे भाइयों पर बनाए रखे नारायण, हमारी माओ के व्रत को सफल बनाइए। लगता है गरुड़ को भी यमदूत दिखने लगे हैं। इसका अर्थ तो ये है कि मेरे भाइयों के प्राण और भी संकट में हैं। अरुण भैया के आने का समय भी हो गया है, मैं जाकर उनका दर्शन कर लेता। सूर्योदय से पहले स्नान करके हमें तैयार होना होगा। हाँ दीदी, प्रकाश की पहली किरण आते ही हमें सूर्यदेव को अर्घ देना है। ये कैसे संभव है? मुझे तो लगा था कि भोर होने में अभी समय है। सूर्यदेव के निकलने से पहले अरुण स्वयं निकलता है, अपनी मां के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है। प्रतिदिन सूर्यदेव निकलने से पहले आकाश अरुण भैया की लाली माँ से रंग जाता है। मुझे उनके होने का आभास होता है और मैं अपनी बाहें फैलाकर उनका स्वागत करता हूँ। और आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि सूर्यदेव यात्रा पर निकले और अरुण भैया उनके साथ ना हो? अवश्य ही कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है, परंतु क्या? भोग बनाने में समय निकल गया होगा।
मुझे पता ही नहीं चला कब। अर्थात मेरा विद्वत रूप से पूरा नहीं होगा। विंदा, हाँ विंदा, मेरे पुत्र को क्या होगा? इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो गई मुझसे? अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो सारी त्रुटि मेरी है। विंदा, भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। विंदा, कैसे हो गई मुझसे इतनी बड़ी भूल? दीदी संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? कैसे संभालूं मैं अपने आप को? यदि मेरे पुत्र जीवित नहीं रहेंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी? सूर्य का कंगन भी इतना प्रकाशवान है कि इसको देखकर कोई भी भ्रमित हो सकता है कि सूर्य उदय हो चुका है। और आनंद की बात यह है कि मेरी इस चाल को कोई भी विफल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। यदि मेरे पुत्र जीवित नहीं रहेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? क्या कर रही है ये? संभालिए अपने आप को दीदी। संभालिए अपने आप को दीदी, संभालिए। सब नष्ट हो गया। तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो गए कदर। ये कैसे हो गया कदर? इतनी चेष्टा करने के बाद भी तुम अपने पुत्र को बचा नहीं पाए। मैंने भी अपने पुत्र खोया, परंतु युद्ध के मैदान में वीरता का प्रमाण देते देते वीरगति को प्राप्त हुए हैं वो। परंतु तुम्हारे पुत्र को छल से मारा गया है। नियत थे वो जब उनकी पीठ पे वार किया गया। दीदी, ये समय इन बातों को कहने का नहीं है। इनकी दशा तो देखिए। व्रत अभी भंग नहीं हुआ है। ये गरुड़ क्या कर रहा है? क्योंकि सूर्य देव का उदय अब तक हुआ ही नहीं। क्या कह रहा है तू? ये प्रकाश तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? आकाश में चमकने वाली हर एक प्रकाशवान वस्तु सूर्य नहीं होती महारानी। नक्षत्र भी तो चमकते हैं। अश्विनी, रोहिणी, कृतिका, चित्रा, नक्षत्र के नाम मैं भी जानती हूँ। कहना क्या चाहता है तू? आपकी दशा समझता हूँ महारानी। आप विचलित हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कहीं व्रत भंग तो नहीं हो गया। और सबसे अधिक विचलित तो महारानी दीति है। परंतु आप दोनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी तक सूर्योदय हुआ ही नहीं।
वो देखिए। अरुण, यदि अरुण अभी अभी आया है तो इससे पहले सूर्यदेव कैसे पधार सकते हैं? मैं भी इसी ओर संकेत दे रहा हूं। सूर्यदेव का रथ अरुण भैया चलाते हैं और वो अभी अभी प्रकट हुए हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि आकाश जिससे प्रकाशवान है वो वस्तु चाहे जो भी हो परंतु सूर्यदेव नहीं है। किसी ने जानबूझकर आप दोनों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। कद्रू, मुझे लगता है कि देवता तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। अच्छा हुआ ना कि तुम्हारा व्रत भंग नहीं हुआ। अब तुम्हें काम करो, सूर्य को अर्घ देने की तैयारी करो। सही कह रही है ये दीदी, हमें चलना चाहिए, स्नान भी करना है हमें। चलिए। भले ही गरुड़ तुमने इस बार व्रत को टूटने से बचा लिया, किंतु कब तक? अभी व्रत पूरा होने में समय है और आने वाले समय को कोई नहीं संभाल पाएगा। दास, मेरी माँ का मार्ग रोकने का साहस भी कैसे किया तूने? मेरी माँ ने जो मुझे संस्कार सिखाए उसके विपरीत आचरण नहीं करना चाहता मैं, वो भी तब जब मेरा परिवार इतने बड़े संकट से जूझ रहा और मेरी माँ ने इतना महत्वपूर्ण व्रत रखा है। परंतु हम में से कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दे रहा, इसका अर्थ ये नहीं समझना कि हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। तो मुझ पे आरोप लगा रहा है? मुझ पर ये आरोप लगाने की आवश्यकता ही नहीं है महारानी दीदी। जीवित पुत्री का व्रत को तोड़ने का जो महापाप आप कर रही हैं वो आप भी जानती हैं और ईश्वर भी। यदि शीघ्र ही आपने अपनी कार्यशैली नहीं बदली तो इसका परिणाम आप और आपके पुत्र भोगेंगे। बस एक बार नाग भाई स्वस्थ हो जाए तो उसके बाद बड़ी माँ और उनके पुत्र आपसे आपके हर एक षड्यंत्र का बदला अवश्य लेंगे। स्मरण रहे, अपने स्वामी के नाम पर तू मुझे धमकी दे रहा है। मुझे भूल गया तू कि उनकी दृष्टि में तू किस स्थान पर है? तू कौड़ी का दास है, तू केवल दास और कुछ भी नहीं। इस संकट के समय में कद्रू और उसके पुत्र तुझे और तेरी माँ को एक परिवार समझने के भ्रम में जो जी रहे, जिस दिन ये भ्रम समाप्त होगा उस दिन पहला आक्रमण वो तेरी माँ पर करेगी। यदि उसके पुत्रों के प्राण चले गए तो तुम दोनों के साथ वो क्या करेगी इसकी तो केवल कल्पना ही कर सकते हो। पर यदि किसी तरह भी उनके प्राण बच गए तो ये दशा तुम्हारे कारण हुई है तो तुम दोनों को कष्ट भोगना ही है। इसलिए मेरी चिंता मत करो, अपनी माँ की चिंता करो। तुम्हारी माँ चाहे कितने भी व्रत जप तप कर ले पर ना वो अपनी नियति बदल सकती हो ना ही तुम्हारी। वो एक दास थी और तुम एक दास हो और अनंत काल तक तुम दोनों एक दास रहोगे। वो एक दास थी और तुम
तुम एक दास हो और अनंत काल तक तुम दोनों एक दास रहोगे।